हेलो गाइस, आज हम टोयोटा रूमियन और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। ये इन दोनों वेरिएंट्स की एवरेज एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। ठीक है, इंजन की बात करी जाए तो टोयोटा में रूमियन में 1462 सीसी का फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है, फोर वॉल्स के साथ में डीवीएलसी टाइप का। हाई क्रॉस में हमें 1987 सीसी का फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है, फोर वॉल्स के साथ में डीवीएलसी टाइप का। फ्यूल टाइप दोनों ही गाड़ियों का पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो रूमियन का इंजन हमारा 6000 आरपीएम पे 102 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, हाई क्रॉस का 6600 आरपीएम पे 173 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो रूमियन का इंजन 4400 आरपीएम पे 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, हाई क्रॉस का 4500 आरपीएम पे 209 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करी जाए तो रूमियन का 20.1 है और हाई क्रॉस का 16.1 है। याद रखिएगा ये माइलेज हमारा ARAI माइलेज है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिया गया माइलेज है। ड्राइव टाइप दोनों गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव है, ट्रांसमिशन दोनों गाड़ियों का ऑटोमेटिक है, टोयोटा का 6 गियर्स के साथ में विद पैडल शिफ्ट फीचर और इन हाई क्रॉस का CVT गियर्स के साथ में और मैनुअल ओवरराइड फीचर भी मिलता है। एमिशन स्टैंडर्ड रूमियन का BS6 फेज 2 है, हाई क्रॉस का BS6 है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप और रिजनरेटिव ब्रेकिंग हमें रूमियन में मिल जाती है। लेंथ की बात करी जाए तो हमारी हाई क्रॉस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, विड्थ में भी हमारी हाई क्रॉस ज़्यादा चौड़ी है, हाइट में भी हमारी हाई क्रॉस ज़्यादा ऊंची है। व्हील बेस हमारा रूमियन का 2740 mm है, हाई क्रॉस का 2850 mm है। कर्व वेट रूमियन का 1205 kgs है, हाई क्रॉस का 1758 kgs है। दोनों ही गाड़ियाँ हमारी 5 डोर्स के साथ में आती हैं विद 7 सीटर कैपेसिटी, नंबर ऑफ रोज दोनों गाड़ियों की 3 है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी रूमियन की 45 लीटर्स है, हाई क्रॉस की 52 लीटर्स है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करी जाए तो हमें टोयोटा में रूमियन में मैकफर्सन चक मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, हाई क्रॉस में मैकफर्सन चक मिलता है। रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो हमें टॉर्शन बीम एंड कॉइल स्प्रिंग मिलता है रूमियन में, हाई क्रॉस में सेमी इंडिपेंडेंट टॉर्शन बीम मिलता है। फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों का डिस्क है, रेयर ब्रेक टाइप हमारा रूमियन का ड्रम है, हाई क्रॉस का डिस्क है। दोनों ही गाड़ियों में हमें पावर स्टेट इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है, व्हील्स दोनों गाड़ियों में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्पेयर व्हील दोनों गाड़ियों में स्टील मिलते हैं। टायर्स की बात करी जाए तो रूमियन में फ्रंट और रियर दोनों में हमें 185 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 15 इंच के टायर्स मिलते हैं, हाई क्रॉस में 205 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर, कंटिन्यूस बीप मिलती है 120 kmph के ऊपर। एयरबैग्स रूमियन में 4 मिलते हैं, हाई क्रॉस में 2 मिलते हैं। रेयर मिडिल 3-पॉइंट सीट बेल्ट हमें रूमियन में मिलता है, हाई क्रॉस में नहीं मिलता है। साइड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ABS, EBD, ESP, हेलोल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। ब्रेक असिस्ट हमें रूमियन में मिलता है, हाई क्रॉस में नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर दोनों गाड़ियों में मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग दोनों गाड़ियों में कीलेस मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। टेम्परेचर वेरिंग कप होल्डर्स हमें टोयोटा में मिलते हैं, हाई क्रॉस में नहीं मिलते हैं। एयर कंडीशनर दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाता है, रूमियन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में, हाई क्रॉस में मैनुअल। फ्रंट एसी हमें दोनों गाड़ियों में सिंगल जोन कॉमन फाइव स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है। रियर एसी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में ब्लोअर मिलता है और वेंट्स मिलती हैं रूफ में, हाई क्रॉस में कॉमन फाइव स्पीड कंट्रोल भी मिलता है। थर्ड रो एसी हमें रूमियन में नहीं मिलता है, हाई क्रॉस में ब्लोअर मिलता है और वेंट्स मिलती हैं रूफ में। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स की बात करी जाए तो रूमियन में को ड्राइवर के लिए मिलता है, हाई क्रॉस में नहीं मिलता है। कैबिन बूट एक्सेस हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट हमें दोनों गाड़ियों में ही रिवर्स कैमरा मिलता है। पार्किंग सेंसर्स दोनों ही गाड़ियों में हमें रेयर में मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल हमें रूमियन में मिलता है, हाई क्रॉस में नहीं मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हमें रूमियन में टिल्ट मिलता है, हाई क्रॉस में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स रूमियन में मिलते हैं, हाई क्रॉस में भी मिलते हैं, हाई क्रॉस में 3 मिलते हैं। फाइंड माय कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंसिंग, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। इमरजेंसी कॉल और कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप हमें रूमियन में नहीं मिलता है, हाई क्रॉस में मिलता है। रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप हमें रूमियन में मिलता है, हाई क्रॉस में नहीं मिलता है। रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है।
ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 8 वे मैन्युअली एडजस्टेबल। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट रूमियन में 6 वे और हाई क्रॉस में 8 वे मैन्युअली एडजस्टेबल। रियर रो सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल। थर्ड रो सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 4 वे मैन्युअली एडजस्टेबल। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों की फैब्रिक है लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, हमें रूमियन में मिलती है, हाई क्रॉस में नहीं मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में मिलता है। रियर पैसेंजर सीट टाइप दोनों गाड़ियों के कैप्टन सीट्स हैं। थर्ड रो सीट टाइप दोनों गाड़ियों की बेंच है। इंटीरियर हमें रूमियन में डुअल टोन मिलते हैं, हाई क्रॉस में सिंगल टोन मिलता है विद ब्लैक कलर। रियर आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट दोनों गाड़ियों में फुल फोल्डिंग मिलती है। स्प्लिट रियर सीट रूमियन में 60:40 स्प्लिट के साथ में, हाई क्रॉस में नहीं। थर्ड रो स्प्लिट हमें दोनों गाड़ियों में 50:50 स्प्लिट के साथ में आता है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। हेडरेस्ट हमें फ्रंट सेकंड और थर्ड रो में मिलते हैं रूमियन में, हाई क्रॉस में फ्रंट सेकंड और थर्ड रो में मिलते हैं। कप होल्डर्स हमें फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं रूमियन में, हाई क्रॉस में फ्रंट सेकंड और थर्ड रो में मिल जाते हैं कप होल्डर्स। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज थर्ड रो कप होल्डर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। ORBMs हमें दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर मिलते हैं। पावर विंडोज दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाती है। वन टच अप और वन टच डाउन रूमियन में हमें ड्राइवर के लिए मिलता है, हाई क्रॉस में हर सीट के लिए मिलता है। एडजस्टेबल ORBMs हमें दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड डिटेक्टेबल मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORBMs में दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रियर डिफॉगर हमें रूमियन में मिलता है, हाई क्रॉस में नहीं मिलता है। रियर वाइपर हमें रूमियन में मिलता है, हाई क्रॉस में भी मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हमें क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं रूमियन में, हाई क्रॉस में बॉडी कलर्ड आते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं हाई क्रॉस में। डोर पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिलते हैं। बूट लिड ओपनर हमें इंटरनल मिलता है की का यूज करके रूमियन में, और हाई क्रॉस में इलेक्ट्रिक टेलीलाइट रिलीज का यूज करके। रूफ माउंटेड एंटीना बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। क्लैडिंग हमें हाई क्रॉस में ब्लैक या ग्रे कलर की मिल जाती है। हेडलाइट्स हमें रूमियन में हेलोजन मिलती है, हाई क्रॉस में LED मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलाइट्स हमें रूमियन में मिलते हैं, हाई क्रॉस में नहीं मिलते हैं। टेल लाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में LED मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमें रूमियन में हेलोजन मिलती हैं। कैबिन लाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। हेडलाइट रजिस्टर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MT, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजॉर वार्निंग, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। ट्रिप मीटर हमें दोनों गाड़ियों में 2 ट्रिप्स के साथ में आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों गाड़ियों में एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लॉक दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है हमें। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस रूमियन में नहीं मिलता है, हाई क्रॉस में मिल जाता है। गियर इंडिकेटर दोनों गाड़ियों में मिलता है। टैकोमीटर दोनों गाड़ियों में एनालॉग मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। डिस्प्ले हमें दोनों गाड़ियों में टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, रूमियन में 7 इंच का, हाई क्रॉस में 8 इंच का। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों में मिलता है, रूमियन में 6 स्पीकर्स और हाई क्रॉस में 4 स्पीकर्स मिलते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM, USB कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। GPS हमें रूमियन में मिलता है, टोयोटा में नहीं मिलता है। वारंटी हमें दोनों गाड़ियों में 3 साल की मिलती है विद 1 लाख किलोमीटर्स। कलर्स आप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।